डियर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स का एक बहुत ही सिलेक्टेड चुना हुआ 20 क्वेश्चंस का एपिसोड अभी हम लोग करने जा रहे हैं। इस एपिसोड को लाने का उद्देश्य यह है कि पिछले दो एपिसोड में हम लोगों ने अखबार कैसे पढ़ें इस पर डिस्कस किया था और ये जानना चाहा था कि दरअसल इसके हेडलाइंस हम किस तरह से पहचानते हैं और ये किस तरह से एग्ज़ाम फ्रेंडली हो जाते हैं जो कुछ छोटे भी हेडलाइंस रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ चुने हुए क्वेश्चंस को इकट्ठा किया गया है जो लास्ट 1 वीक 8 डेज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो ये चुने हुए सिलेक्टेड पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर्स अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं जिसका कट ऑफ है 17। 70 के स्कोर्स आप करते हैं तो आपने अखबार या तो पढ़ा है या आप करंट अफेयर्स पे पैनी नज़र रखते हैं। मिनिमम स्कोर 14 होगा तो 14 से 17 का स्कोर बहुत अच्छा माना जाएगा। चलिए देखते हैं आज के इस सिलेक्टेड सेट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि विश्व कप क्रिकेट, जो वर्ल्ड कप का क्रिकेट अभी हाल ही में समाप्त हुआ, इसकी विजेता टीम का निर्णय किस तरीके से हुआ, किस आधार पर हुआ? सुपर ओवर से, अंतिम गेंद पर छक्के से, सबसे अधिक बाउंड्री लगने से या अंपायर द्वारा सिक्के उछालकर? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे अधिक बाउंड्री लगने से। यह एक बड़ा ही अनोखा फाइनल मैच हुआ जिसमें सुपर ओवर में भी डिसीजन नहीं हुआ और तब इस डिसीजन को सबसे अधिक बाउंड्री लगने के आधार पर डिसाइड किया गया, हालांकि ये वर्ल्ड कप था। आज का दूसरा क्वेश्चन, चंद्रयान 2 जो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना अभी भारत की लॉन्च हो रही है, इसके डायरेक्टर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुथैया वनिता, ये मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया भी कहलाती हैं। ये पूरे परियोजना की डायरेक्टर हैं जबकि इस मिशन जो चंद्रयान 2 मिशन है इसकी डायरेक्टर रितु करिधल हैं। ये दोनों भारत की सबसे बड़ी महिला साइंटिस्ट में से दो हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन, हिंदी फीचर फिल्म सुपर 30 के डायरेक्टर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विकास बहल इसके डायरेक्टर हैं जबकि इस फिल्म के हीरो ऋतिक रोशन हैं जिन्होंने आनंद कुमार का रोल अदा किया है। ये फिल्म बिहार में टैक्स फ्री हो चुकी है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यपालों को उनके राज्यों के साथ मैच करके ये देखना है कि कौन इसमें रॉन्गली मैच्ड है, मिसमैच्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विश्वभूषण हरिचंदन, ये 84 साल के हैं। अभी अखबार का एक हेडलाइन भी बना था कि सबसे सीनियर मोस्ट ये राज्यपाल होंगे। ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं, रेस्ट 3 अपने अपने राज्यों के राज्यपाल होंगे। पांचवा क्वेश्चन, इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को वेटरन पिन अवार्ड देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पीटी उषा। पीटी उषा में को उनके खेल में अप्रतिम योगदान के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था वेटरन पिन अवार्ड देगी। छठा क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम केंद्र यानी वेदर सेंटर की स्थापना कहां की गई है? बड़ी खबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, माउंट एवरेस्ट। ये सभी अखबारों का हेडलाइन बना दो दिनों पहले, इसे नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने स्थापित किया है माउंट एवरेस्ट पे। सातवां क्वेश्चन, 18वीं वर्ल्ड एक्वेस्टिक चैंपियनशिप 2019 यानी पानी में आयोजित होने वाला विश्व का सबसे बड़ा खेल कहां आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में ये वर्ल्ड कप एक्वेस्टिक चैंपियनशिप हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? मीडिया पर एशिया का शिखर सम्मेलन, तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया में। कंबोडिया में सीएम रीप आइलैंड पर यह आयोजित हुआ, अखबारों या मीडिया से संबंधित शिखर सम्मेलन, समिट लेवल कॉन्फ्रेंस। नवा क्वेश्चन, विंबलडन टेनिस 2019 के विजेता किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सर्बिया।
विंबलडन टेनिस 2019 के विजेता नोवाक जोकोविक हैं जो सर्बिया के हैं, इन्होंने स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को हराया है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये आना ही आना है, आप ध्यान रखें। साथ ही महिला वर्ग में सिमोन हालेप जो रोमानिया के हैं उन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता है, ग्रैंड स्लैम को। दसवां क्वेश्चन, विश्व कप 2019 क्रिकेट का विश्व कप, इसमें किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेन स्टोक्स, ये फाइनल के बेस्ट प्लेयर चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, चर्चित किताब बुक नई आई है जो काफी चर्चित हुई है, नई दिल्ली षड्यंत्र, इसकी लेखिका कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मीनाक्षी लेखी। दिल्ली में भाजपा की बड़ी नेत्री हैं मीनाक्षी लेखी, उन्होंने ये किताब लिखा है। 12वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हेट स्पीच यानी नफरत की भाषा, नफरत की बोली, ये कैसी होती है? इसके लिए शब्दों के मानक तय किए हैं। ये पिछले दिनों अखबार का एक बड़ा हेडलाइन था। इसमें कौन सा शब्द इस हेट स्पीच का भाग नहीं है, इसे नफरत की भाषा नहीं कहा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रहन सहन, ये हेट स्पीच का पार्ट नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि मजहब, नस्ल, राष्ट्रीयता, रंग, पीढ़ी और जेंडर, ये सब हेट स्पीच वाले शब्द हैं जो आहत करते हैं, इसके विरुद्ध बोली गई भाषा के रूप में। 13वां क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की घोषणा के अनुसार अब सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों की कॉपी कितनी भाषाओं में उपलब्ध कराएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 भाषाओं में, हिंदी सहित अब ये 6 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा, जबकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट की भाषा अंग्रेजी सदैव रही है। 14वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई से जल शक्ति अभियान चलाने की घोषणा की गई है, इसका संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जल संकट की सुरक्षा से। 15वां क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक द्वारा नवीनतम सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट अभी जारी हुई है, इसके अनुसार 2019-22 यानी वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत की विकास दर क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 7%। ये बड़ा हेडलाइन अभी दिख रहा है जिसमें ADB ने कहा है कि उसने विकास दर के अनुमान को घटाया है, 7.2 से अब 7% कर दिया है। 16वां क्वेश्चन, देश के कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि मानसून पर निर्भर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 55%, 55% ऑफ द टोटल एग्री लैंड ये मानसून पर निर्भर है, चूंकि मानसून इस साल काफी निराश कर रहा है। 17वां क्वेश्चन, UNO ने एस्टेरॉयड के खतरों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए क्षुद्र ग्रह दिवस मनाने की घोषणा की है, ये कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 30 जून। आप जानते हैं कि पृथ्वी को बड़ा खतरा एस्टेरॉयड से है जो मंगल और बृहस्पति के बीच घूम रहे होते हैं, असंख्य बड़ी संख्या में ऐसे एस्ट्रॉयड्स, इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये 30 जून दिवस एस्ट्रॉयड दिवस मनाया जाएगा। 18वां क्वेश्चन, नीति आयोग ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी का गठन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। आप जानते हैं कि पिछले दिनों नीति आयोग ने किसानों से संबंधित बड़े फैसले और लाभकारी फैसले लेने के लिए महाराष्ट्र को प्रथम पुरस्कार दिया था, ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अब इस पूरे भारत के लिए गठित कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। 19वां क्वेश्चन, लोकसभा के नवनियुक्त स्पीकर ओम बिरला किस राज्य से सांसद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान, राजस्थान के कोटा बूंदी से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। लास्ट 20वां क्वेश्चन, महिला वर्ल्ड कप फुटबॉल 2019 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने
महिलाओं का वर्ल्ड कप फुटबॉल अभी हाल ही में आयोजित हुआ था, इसे जीत लिया है नीदरलैंड को हराकर, जिसे हॉलैंड भी हम लोग कहते हैं। 2-0 से नीदरलैंड को पराजित करके अमेरिका ने इस खिताब को जीता है। ये खेला गया था फ्रांस में। तो ये थे आज के 20 चुने हुए क्वेश्चंस, 17 इसमें मैक्सिमम स्कोर था। इस तरह के सेट्स आप बनाते रहें, अखबारों पे ध्यान रखें। अगर आप उस पर थोड़ा टाइम देकर उसके कंटेंट्स इंपॉर्टेंट डेली 5-7 भी निकाल लेते हैं तो करेंट में आपका कंसोलिडेशन होगा, नो डाउट। टेक केयर।